हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर एक बाथरूम में हमको पाइप फिटिंग करना हो तो कैसे किया जाता है, इंडियन सादा सीट और कमोड का गीजर का कनेक्शन कैसे होता है। तो वीडियो पूरा जरूर देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हमने 2 1 इंची की पाइप लगाई हुई है। एक हमारा मोटर के लिए इनलेट है और एक ओवरफ्लो के लिए, जो हमारी टंकी भर जाएगी तो ओवरफ्लो हमारा इस रास्ते गिरेगा, इसलिए हमने 2 पाइप लगाया हुआ है। एक मोटर से अप होगा और एक टंकी से ओवरफ्लो के नीचे आएगा। ये देखिए, हमने इसको छत पे तक कनेक्शन कर दिया, छत तक। ये दोनों पाइप हमने एक ही साथ लगा दिया है, एक ही पास में है दोनों पाइप। एक पे हमारा मोटर का कनेक्शन हो जाएगा और दूसरे में हमारा ओवरफ्लो आ जाएगा। ये एकदम सीधी लाइन है और ये हमने टोटी दिया हुआ है, एक जो बाथरूम के अंदर से आया हुआ है, ये हमने अंदर से कनेक्शन लिया हुआ है। और ये हमने वाश बेसिन का कनेक्शन दिया हुआ है, ये इसको हमने एल्बो डाल के थोड़ा सा डाउन किया है क्योंकि वाश बेसिन में यहाँ पे एंगल कॉक लगेगा जो हमारे वाश बेसिन में लगेगा। अब हम आपको बाथरूम के अंदर ले जा रहे हैं, ये देख लीजिए। इसमें एक सादा सीट लगेगा, इंडियन सादा सीट, और एक कमोड लगना है। ये सादा सीट का हमने टोटी दिया हुआ है यहाँ पे, और ये जो कोने पे दिख रहा है ये फ्लश के लिए हमने दिया हुआ है जो सादा सीट के साथ लगेगा। और ये जो आप ब्रास्टी देख रहे हैं ये हमने कमोड के लिए फ्लश का कनेक्शन दिया हुआ है। यहाँ पे हमारा कमोड का फ्लश लगेगा और यहाँ पे हमारा सादा सीट जो लगना है उसका फ्लश लगेगा, और ये हमारा सादा सीट का टूटी हो जाएगा। देख लीजिए, बहुत सिंपल सी फिटिंग है एकदम। एक बाथरूम का हमने पाइप फिटिंग किया हुआ है जो इसका वीडियो हम बना रहे हैं। और ये हमने कमोड के लिए 2 पॉइंट दिया हुआ है, एक ये है और एक ये है, जिसमें हमारा जेट स्प्रे और हैंड फोकस लगेगा। इसके लिए हमने 2 कनेक्शन दिया हुआ है कमोड के पास में। और ये हमने 2 टोटी का पॉइंट दिया हुआ है, एक गर्म पानी का और एक ठंडे पानी का, जो हमारी टंकी से आएगी और एक गीजर से आएगा। ये हमारी टंकी की लाइन है जो ऊपर से नीचे आई हुई है। ये हमारा टंकी से पानी नीचे आएगा बाथरूम में, देख लीजिए। ये हमने टी डाल के इसको कनेक्शन आगे कर दिया है, जिसमें हमने यहाँ पे ब्रास टी दिया हुआ है और ये हमारा कैंसिल है जो हमारा शावर को ऑपरेट करता है। ये हमने शावर के लिए कनेक्शन दिया हुआ है, दोनों में हमने कैंसिल लगा हुआ है, गर्म पानी में भी और ठंडे पानी में, ताकि शावर में भी गर्म पानी आ सके। और ये 2 टोटी हमने अलग अलग दे दिया हुआ है, गर्म पानी और ठंडे पानी का। ये देख लीजिए, नीचे से हमने इसको गीजर का कनेक्शन लिया हुआ है। ये हमारा गीजर की लाइन है, जो 1 इंची की पाइप है वो हमारा कोल्ड वाटर का है और 1.5 इंची का हॉट वाटर का है। ये बहुत ही सिंपल सा फिटिंग है दोस्तों, एक बार अगर कोई देखता है तो ऐसा फिटिंग आराम से कोई भी कर सकता है। ये जो 1 इंची की पाइप देख रहे हैं जो डाउन हुआ है, ये हमने इसको किचन में डाला हुआ है, किचन का भी सप्लाई यहीं से गया हुआ है, गर्म पानी का भी और ठंडे पानी का भी। ये जो 1.5 इंची की पाइप है ये हमारी गर्म पानी की पाइप है, और ये 1 इंची का जिसमें हमने एल्बो लगाया है, ये हमारा देखिए किचन में ऐसे आई हुआ फर्श है, क्योंकि इसमें अभी फर्श बनना है, टाइल्स लगना है, तो ये इतना कवर हो जाएगा, ढक जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देख लीजिए, ये हमने 2 टोटी दे दिया हुआ है। यहाँ पे सिंक लगना है जिसमें बर्तन वगैरह धुला जाता है, इसलिए हमने यहाँ पे गर्म पानी का भी, ये हमारा गर्म पानी का है और ये ठंडे पानी का कनेक्शन हमने दे दिया हुआ है। ये देख लीजिए, बाथरूम का फिटिंग जो है, जो हमने आपको शुरू में दिखाया हुआ है,
बहुत ही सिंपल सा फिटिंग है इसमें। हमको दो कैंसिल कॉक दे दिया हुआ है हमने शावर के लिए, गीजर का भी कनेक्शन किया हुआ है, कमोड का और सारा सीट का भी कनेक्शन किया हुआ है।